बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काव्यल सिद्धानी। और ये है केतन सिंह। बस इतना ही। हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं। हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है, और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका युवा उद्यमी कौशल शो के पांचवें एपिसोड में। मिस्टर केतन, हाँ। पहली एडवेंचर स्टोरी तुम्हारी चॉइस की थी और उसमें बहुत मजा आया। अब मेरी बारी। ठीक है, ऑफ कोर्स मिस काव्यल, प्लीज लीड द वे। एनीवेज, आई वाज ओनली लीडिंग द वे व्हाइल यू वर डिस्ट्रैक्टेड। हम आने वाले एपिसोड में जिन कौशलों के बारे में बात करने वाले हैं वे इतने प्रभावशाली हैं कि युवा लड़कियां उनसे सीखकर अपनी जिंदगी एब्सोल्युटली बदल सकती हैं। करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि आने वाले एपिसोड्स में हम किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं कह रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मुझे पता है कि आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब हमारे सवालों के सिलसिले सेगमेंट के लिए, जहां हर एपिसोड में हम आपसे नए सवाल पूछते हैं। लेकिन काव्या, हमारे दर्शकों को कैसे पता होगा कि उन्हें पेन और नोट पैड तैयार रखना चाहिए? ओहो केतन, जब ये ग्राफिक स्क्रीन पर आएगा तब ना। अरे हाँ, खर्चा तो किया हमने ग्राफिक्स। एग्जैक्टली। तो सुपर, चलिए पेन और नोटबुक तैयार रखिए, सवालों को नोट करिए और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें, या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें। इस ऐप के द्वारा भी आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल, पहले सही 500 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे हर एपिसोड की तरह। बिल्कुल, और एक बात तो तय है, युवा महिलाएं धूम मचा देंगी जब वो नए उद्यम करेंगी, नई भूमिकाएं निभाएंगी, जब वो उन सारे व्यवसायों में काम करेंगी जो अब तक पुरुष प्रधान रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दो युवाओं ने हमें भेजे हैं दो सवाल, चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो डी आई वाई शो, मेरा नाम आनंद है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मैं पटना में ही रहता हूँ। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, इसलिए मैं अपना मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर मैं ड्राइविंग स्कूल खोलता हूँ तो उससे कोई पर्यावरण पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? धन्यवाद। हेलो डियर स्किल्स, मेरा नाम जानसू, मैं बीटा में रहती हूँ, मैं 11th क्लास में स्टडी करती हूँ। मेरा पसंदीदा काम है गाड़ी चलाना, मैं इसे अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या मोटर ड्राइविंग स्कूल चलाना लड़कियों के लिए सुरक्षित होगा, और मैं इसके लिए कैसी योजना बना सकती हूँ, और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू। आनंद, अगर आप ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हैं तो क्यों ना आप हर हफ्ते कुछ नए पौधे अपने आसपास लगाएं, इससे पर्यावरण भी सुधरेगा और आपका ड्राइविंग स्कूल चलाने पर इतना संकोच महसूस भी नहीं होगा। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, तुम क्या लगता है कि महिलाएं गाड़ी चला सकती हैं? ओए, ये कौन सा सवाल हो गया भाई पूछने का? ऑफ कोर्स चला सकती हैं। सॉरी, मैं भूल गया था, मैं परसों इनको गाड़ी चलाते हुए देख रहा था, रिवर्स गियर में 80 के स्पीड पे ये गाड़ी चलाती हैं, रिवर्स गियर में भी इनकी गाड़ी आगे भागती है। आई डोंट नो। ओके, कुछ चीजें तुम्हारी मेरी फ्रेंडशिप के बीच में है, ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं पूछ रहा था क्योंकि सवाल कुछ ऐसा आया था, आप लोगों को आंसर मिल गया। शायद मैं इतनी अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती हैं। महिलाएं रेस कार्स भी चला सकती हैं और मर्दों से बेटर। ओके, ठीक है भाई, अब सवालों का क्या करना है बताइए लोगों को। तो चलिए,
आपने तो हमें सवाल पूछ लिए, अब बारी है हमारी। पेन और नोटबुक तैयार है ना सवालों के सिलसिले के लिए। तो पहला सवाल है, हमारी आज की कहानी में ड्राइविंग स्कूल मोबाइल क्यों कहलाया जाता है? दूसरा सवाल, क्या केवल पुरुष ही गाड़ी चलाना सीख सकते हैं? तीसरा सवाल, ड्राइविंग सीखने पर महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं? क्या ड्राइविंग केवल पुरुषों के लिए है या पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है? पुरुष महिला ड्राइवरों के बारे में क्या सोचते हैं? केतन बोलो बोलो। मेरी राय तुम जानती हो कि महिला जरूर गाड़ी चला सकती हैं, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद आप क्या करेंगे? एक बार फिर से पूछता हूं कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजिए, या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वही जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स। तो जल्द ही भेजिए आपके जवाब। और अगर आपके पास और कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा। तो हमारे प्रिय दर्शकों, क्या आपको अंदाजा है कि युवा महिलाओं के लिए क्या है वो सुपर पावर जिसके बारे में कोई नहीं जानता? मुझे पता है, मैं बताऊं। तुम महिला हो? हाँ, मतलब नहीं, मतलब हाँ। डिसाइड कर लो। मैं महिला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसका जवाब पता है। मैं उसका जवाब प्लीज मुझे देने दो ना। अच्छा चलो बताओ। इसका जवाब है ड्राइविंग, गाड़ी चलाना आना। हम सब ने ये कहीं ना कहीं सुना है कि महिलाओं को अच्छा ड्राइवर नहीं माना जाता। अरे फिर से, ये कहने वाले पुरुष ही होते हैं हमेशा। आई एम सॉरी, ये धारणा गलत है और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कुछ दिन पहले एक रोमांचक ग्राफिक नॉवल पढ़ी जिसके बाद मेरी महिला ड्राइवर्स के प्रति मानसिकता बदल सी गई। चलो अच्छा है, किसी को तो सन्मति आई। द मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स स्टोरी पढ़कर मुझे दो जरूरी बातें सीखने को मिली। पहली बात, उत्तरी भारत की महिलाएं अगर वाहन चलाना सीखना चाहें तो उनके लिए ड्राइविंग स्कूल ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ड्राइविंग स्कूल्स को मोबाइल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि गांव-गांव और हर छोटे शहर घूमकर महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखा सके, किसी एक जगह पर सीमित रह के नहीं। ये तो शानदार विचार है और बिजनेस का भी एक अच्छा विकल्प। अब तक किसी ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। क्या पता लोगों को ऐसा भी लगता हो कि महिलाएं गाड़ी चलाना सीखना ही नहीं चाहती। सच तो ये है कि वो सब कुछ चलाना सीखना चाहती है, कार, जीप, स्कूटर, रिक्शा, बस, टैक्सी, एरोप्लेन तक, सब कुछ और बहुत कुछ। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे रात को ड्राइव करने से बचें, 4 से 5 के ग्रुप में ट्रैवल करें, हमेशा सीट बेल्ट लगाए रखें, और सबसे जरूरी बात, अपने आप को डिफेंड करना सीखें। उसके तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कराटे। अच्छा हुआ तुमने रोड सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी की बात कर ली। वैसे रोड सेफ्टी के अंदर ये भी आता है कि सड़क पर जो भी हम ट्रैफिक साइंस देखते हैं आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे फॉलो करना है। और सबसे जरूरी बात, ड्राइविंग के दौरान कभी भी फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तरह हमेशा पूरा ध्यान रोड पे। मेरा पूरा ध्यान रोड पे ही रहता है। हमेशा सीट बेल्ट पहने रहे और ध्यान रहे कि बाकियों ने भी पहनी हो। हाँ हाँ, मैं भी पहनूंगा, मुझे सीट बेल्ट पहना हो ताकि मैं अपनी गाड़ी से कभी हिल न सकूं। बिकॉज दिस इज DIY, डू इट योरसेल्फ। एक बात और जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती, पैदल, एम्बुलेंस और साइकिल चलाने वालों के लिए हमेशा रास्ता बनाएं। Yes. आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन उन्हें वाहनों से पहले जाने का अधिकार है। क्या आप लोग जानते हैं कि मथुरा उत्तर प्रदेश में ऐसा ड्राइविंग स्कूल है जहां से महिलाएं गाड़ी चलाना सीख सकती हैं? जी हाँ, और सबसे बढ़िया बात, वहाँ पुरुष भी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। जाना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल, तो जरूरी भी है। आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज के डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखा रही है। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, बिजनेस कर रहे हैं हम तो रिस्क तो है,
और मुझे इस रिस्क को मिनिमाइज करना है, तो मैं इस बिजनेस को कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहती हूँ। तो मैंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या करा कि सबसे पहले मैंने अपनी ब्रांड बनाई आत्मनिर्भर के नाम से, ठीक है। पुणे में बैठे बैठे मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा और उनके जिनके ऑलरेडी ऑफिस थे उनको एक फॉर्म बनाकर दिया कि जो भी लोग स्कूटी सीखना चाहेंगे वो आपके पास आके फॉर्म भरेंगे और कुछ पेमेंट देंगे, तो आप उस फॉर्म और पेमेंट को रख लीजिएगा। किकस्टार्टर और इंडिगोगो जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को बनने से पहले ही बेच देते हैं बस एक कंसेप्ट के थ्रू। हमने लोगों को बताया कि हम एक स्कूटी ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पे एक फीमेल ट्रेनर होगी, महिला ट्रेनर होगी और वो महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाएगी। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत खुश हो गई है जान के कि एक फीमेल ट्रेनर है जो उनको स्कूटी चलाएगी और वो कॉल्स पे कॉल्स करने लगी। तो हमने उन्हें कहा कि हाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं पर आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमारा फोन नंबर है, ये हमारा एड्रेस है। और उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, आप ऑफिस में देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज थे मेरे फ्रेंड्स के जो काम करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन करा, मैं मथुरा में थी भी नहीं उस वक्त, मैं पुणे में थी, पर कोलैबोरेशन के थ्रू मेरे फ्रेंड्स के थ्रू और हेल्प मांगी मैंने उन लोगों से और उन्होंने करी हेल्प, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा करना चाहती है। सो यस, सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड जैसे जैसे लोगों ने उसके बारे में जानना चालू करा, कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने फॉर्म भरा और एडवांस भी दे के रजिस्ट्रेशन भी करा। ये तो काफी प्रॉफिटेबल है, ये फायदेमंद टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो Absolutely. मुझे तो बस इस बात का थोड़ा बुरा लगता है कि गाड़ी चलाने से इतना प्रदूषण होता है, मतलब पूरे प्रकृति को कितना नुकसान होता होगा। नहीं हाँ, लेकिन ये भी सच है कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे देश में कोई ऐसा बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बन जाए जो हर जगह हो, या वाहन जो सौर ऊर्जा या किसी और पर्यावरण हितैषी ईंधन से चले, जिसे हमें ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसके उपयोग से बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो। सपने सुहाने बचपन के, ये तो बहुत समय तक नहीं होने वाला, ना गांव में ना शहर में, ये सपना ही है फिलहाल। हाँ, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, लड़कियों को ड्राइविंग की सुपर पावर स्किल पहली फुर्सत में सीखनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा, आप लोगों को इमरजेंसी में अस्पताल ले जा सकती हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर बन सकती हैं, इतनी सारी डिलीवरी जॉब्स होती हैं, आप सीख लें गाड़ी चलाना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकती हैं। हमारे देश की युवा लड़कियों, अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारे प्रति अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया बदले, तो हमें हर उस फील्ड में काम करना होगा जहां आज पुरुष प्रधान है। अगर हमें दुनिया बदलनी है, लोगों की मानसिकता बदलनी है, तो ये बहुत जरूरी है। और जब सब देखेंगे कि लड़कियां कितनी कुशलता से गाड़ियां चलाना सीख रही हैं और बाकी सारे काम कर रही हैं, सारे सवाल उठाने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये तो बताओ कि ड्राइविंग के साथ साथ और क्या जरूरी कौशल हैं जिन्हें सीखना जरूरी है। सब्र का फल मीठा होता है, जब तक सब्र का फल मिले, ये लो तुम ये फल खाओ, ऑर्गेनिक है, हैप्पी ईटिंग। इसमें चार्जर कहाँ लगता है? वो खाने वाला एप्पल है, मोबाइल वाला एप्पल नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए देखते हैं द मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स की कहानी। लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जरूरत है लोगों का माइंडसेट बदलने की। हाँ हाँ, बस बस ऐसे ही धीरे धीरे चलाओ। अरे सामने देखो, गाड़ी चलाना लड़कियों के बस की बात नहीं है। नो शेम, मैं तो ऐसा कभी ना करूं। सड़कें लड़कियों के लिए सेफ नहीं होती, तुम नहीं चलाओगी। फरहान का एक्सीडेंट हो गया है, अगर फातिमा तुम्हें समय पर नहीं लाती तो बहुत ब्लड लॉस हो जाता। चलो तुम्हें लाइसेंस दिलवाते हैं और इसके बाद फातिमा अनस्टॉपेबल थी। मैं ऑल विमेन ड्राइविंग स्कूल खोलूंगी और सारी लड़कियों को एम्पावर करूंगी और ऐसे
फातिमा ने बिहार की हर लड़की को गाड़ी चलाना सिखाया और सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। तो कैसा लगा आप सबको हमारी अनस्टॉपेबल फातिमा से मिलकर? ये फातिमा के पापा भी ना, जब तक झटका नहीं लगाना तब तक समझ नहीं आया कि बेटी के लिए ड्राइविंग सीखना मतलब सबका फायदा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं तो उनको समझाएं कि भाई साहब संभल जाओ, कोई हादसा होने का इंतजार मत करो। सोचो फातिमा ने ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट करने के बाद कितनी सारी लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया होगा। आत्मनिर्भरता से आता है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से आता है साहस, सफलता, खुशहाली। सोचो फातिमा ने कितनी खुशियां फैलाई होंगी। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ड्राइविंग सीखे। ले चलते हैं कोलकाता की सड़कों पर और मिलवाते हैं सुषमा मिद्दे से। मेरा नाम सुषमा मिद्दे है, मैं बेलुरथम कोलकाता में रहती हूँ। मेरे पास मेरी खुद की कार पिछले 1.5 साल से है। दरअसल मुझे कार चलाना बहुत पसंद है, आप इसे मेरा जुनून कह सकते हैं। बहुत सारे ग्राहक मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि मैं पूरा दिन गाड़ी चलाकर थकती नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा, बल्कि मुझे लगता है कि जब मैं कार चलाती हूँ तो मुझे खुशी होती है। बड़ी बसें, ट्रक हमेशा हावी होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कुत्ते की भौंकने की परवाह नहीं करनी है। हो सकता है कि वे काट सकते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो अगर आप एक युवा लड़की हैं जो महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने के बिजनेस को पिच करना चाहती हैं, तो हम बस यही चाहेंगे कि आपकी उम्र 20 से 25 की हो और आपको ड्राइविंग का अनुभव हो। आपके पास एक योजना अर्थात बिजनेस प्लान होना चाहिए कि इसे बिहार में कैसे सफल उद्यम का रूप दिया जा सकता है। बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है। हर सफल बिजनेस की शुरुआत बिजनेस प्लान से ही तो होती है। अगर ये सुनने में कठिन लग रहा है तो डरिए मत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें आपको बाहर जाकर रिसर्च करनी है, लोगों से मिलना है और जरूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप ऑनलाइन रिसर्च के आधार पर बिजनेस प्लान नहीं बना सकते। इसमें मजा भी आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। हर बिजनेस प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, जिससे उससे बनाना और आसान हो जाता है। पहले आप किस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, दूसरा आप कैसे उसे अलग तरीके से सुलझाएंगे, कैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाकियों से अलग और बेहतर होगा, और तीसरा आपको इसे शुरू करने के लिए किन किन रिसोर्सेज यानी साधनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे जगह, सामान, गाड़ी लाइसेंस आदि। चौथा ये कि सब करने में कितना निवेश लगेगा। पांचवा, आप अपनी सेवा कितने में बेचेंगे। आपको इस बात का भी अंदाजा लगाना होगा कि आपके हर महीने में लगभग कितने कस्टमर्स रहेंगे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट यानी मुनाफा कमा पाएंगे और कब, कैसे, कितना अपने निवेशकों से लिया गया पैसा वापस कर पाएंगे। इसी को तो कैश फ्लो बनाना कहते हैं। वैसे कैश फ्लो बनाने से पहले बजट बनाना पड़ता है। बट नो प्रॉब्लम, आपकी मदद के लिए www.mapofme.in पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। पता है, आप इसकी मदद से सिर्फ 26 स्टेप्स में अपना लाइफ प्लान बना सकते हैं। उसे जैसे चलाना है वैसे चलाओ, इंग्लिश में, हिंदी में, फोन पर, लैपटॉप पर, हर जगह अवेलेबल है और हर जगह एकदम फ्री। www.mapofme.in। और हाँ, आप चाहें तो गोइंग टू स्कूल के इंडिया के YouTube चैनल या YESS यस ऐप पर ये शो दोबारा देख सकते हैं। और सिर्फ यही शो नहीं, वहाँ ऐसे बहुत सारे शोज हैं और स्किल वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, सब फ्री में। अरे वाह, ऐसी बढ़िया बढ़िया लाइफ चेंजिंग चीजें भी फ्री में मिलती हैं। ऐसा समझ लो कि आज के टाइम पर हमारे युवाओं को उनका भविष्य बनाने के लिए जो भी जरूरी है वो फ्री,
जैसे नौकरी या स्टार्टअप के लिए कौशल सीखना फ्री है। आप जब चाहें जहां चाहें वो स्किल्स सीख सकते हैं और प्लान बना सकते हैं और अपने करियर का सफर शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपना बिजनेस मॉडल हमें पिच करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें उसमें क्लीन एनर्जी यूज करने की। क्या तुम बता सकती हो कि क्लीन एनर्जी में क्या क्या आता है? Yes, सौर, हवा, पानी, रिसाइकल कचरे से बनाया गया बायोगैस और बहुत कुछ। इस पर और सेल्फ डिफेंस पर तो हम आगे बहुत चर्चा करने वाले हैं। आराम से डांस पे चांस यार। सॉरी, चांस पे डांस बोलते हैं। चांस पे डांस, मेरा जबड़ा मेरे हाथ में होता उस लड़के। तो आराम से जरा, तो आप आज ही हमें अपना बिजनेस आइडिया भेजें और स्टार्टअप कैपिटल यानी रकम पाने का मौका पाएं। बिहार की युवा लड़कियों, ये बहुत ही बढ़िया अवसर है जिंदगियां बदलने का। क्यों? क्योंकि अगर आपका आइडिया सही निकला तो आपको स्टार्टअप फंडिंग मिल सकती है। आप हमें अपना आइडिया वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शर्त है कि आपकी उम्र 18 से 23 तक की होनी चाहिए। सोचिए कितने सारे सेक्टर्स यानी क्षेत्रों में उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे और ऐसे कितने सारे व्यवसाय हैं जो ड्राइविंग आने पर उन्हें करने में आपको सक्षम बना देगा। अरे केतन, तुम्हारी आज की कविता कहाँ है? कविता स्कूल गई होगी। अच्छा, कविता अरे तो याद है मेरे को। अर्ज किया है मुलाजा फरमाया कि महिलाओं को ड्राइविंग सिखाओ, दुनिया में बदलाव लाओ, अपने और परिवार के लिए पैसे कमाओ और पर्यावरण में भी सुधार लाओ। वाह शायर साहब, वाह, मान गए आपको। चलिए जल्द ही मिलेंगे और आप सबके लिए टॉपिक तो मैं चूज करूंगी इस बार। हाँ और क्या, मुझे पूरा भरोसा, पूरा पूरा भरोसा है बेटा तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल। और हाँ, आपको हमारे सवालों के जवाब हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर देने हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमें दूसरे नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अगर हमें आपके बिजनेस आइडियाज अच्छे लगे तो शायद आपके प्रोजेक्ट आइडिया के लिए फंडिंग भी मिल जाए। अपना नाम, नंबर, पता ये देना भूलिएगा मत, हम आपको ढूंढेंगे कैसे। आपने इस एपिसोड में क्या सीखा? जो आपके विचार हैं वो भी आप हमें भेजें। हमें ये बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और ये बताना ना भूलें कि आप ड्राइविंग सीखेंगे या नहीं। तो चलो, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काव्यल सेडानी। और ये है केतन सिंह। बस इतना ही। हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं। हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं। हेलो, माय नेम इज आकांक्षा, आई एम फ्रॉम पटना बिहार एंड आई I'm born and brought up in Patna, but then later on I went to Banasthali Vidyapeeth where I completed my plus two, my graduation in bachelor's in business administration, and then I went to Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, where I completed my social entrepreneurship course. So why I did social entrepreneurship course? Because I always wanted to start the business, which should be also social in nature, but it should be a business too.
So I found this course very much attractive because इस कोर्स का जो पूरा एक स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि जो हमारा फील्ड वर्क है हम उससे भी बहुत कुछ सीखें और थियोरेटिकली तो हम सीखें ही बिकॉज मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती, मैंने कोई टेक्निकल ऐसी डिग्री नहीं ली और मुझे कुछ करना था वो हो सकता था टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। फिर उसके बाद जब इस कोर्स के दौरान मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए और बहुत सारा फील्ड वर्क किया, इंटर्नशिप मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब मैं बीबीए में थी तो मैंने एक स्टॉक मार्केट में किया था जिसमें 9 to 5 का एक जॉब होता था, आपको 9 बजे आना 5 बजे जाना, और चूँकि मैं ग्रेजुएशन की थी तो वो मुझे एक सेलेक्टेड सब्जेक्ट टॉपिक पे ही पढ़ाते थे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे। तो वो चीज़ मुझे एक ट्रिगर करता था कि जितना मुझे जानना है उससे ज़्यादा क्यों नहीं बताया जा रहा, 9 to 5 जॉब में फिक्स फिट क्यों किया जा रहा है। तो देर एंड देर आई डिसाइडेड कि आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी द कोर्स विच आई शुड परस्यू। तो इस तरह बीबीए के बाद फिर मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स लिया टिस्का, और इस पूरे कोर्स के दौरान एक ऐसा फील्ड प्रोजेक्ट आया जिसमें हमें झाबुआ में रहना था। सो झाबुआ इज़ एक्चुअली अ ट्राइबल विलेज जो कि ये MP और झारखंड के बॉर्डर पे आता है। तो हमें 15 दिन वहाँ रहना होता था, वहाँ पे हमने घर ऐसे एक पहाड़ पे एक घर होते थे और हम लोग ऐसे 4-5 लोग ऐसे फ्रेंड्स लोग का ग्रुप बनता था जिसमें हमें जाके रहना होता था। तो वहाँ पे हमने नोटिस किया कि बिजली नहीं आती, और बिजली अगर आती भी है तो वो रात को 2 बजे आती। तो जो किसान है अगर उसको इरीगेशन करना है तो वो इधर रात को 1 बजे उठता था या 2 बजे या 3 बजे, तो उनका जो एक बेसिक स्लीपिंग पैटर्न होता है वो पूरा ख़राब हो चुका था। फिर उसके बाद हम अगर फूड हैबिट की बात करें तो वो खाना 5 बजे बनाते थे और खाते थे 10 बजे। 5 बजे इसलिए क्योंकि रोशनी ही 5 बजे तक होती थी और खाते थे 10 बजे, तो विच इज़ अगेन कंसिडर्ड एज अ कोल्ड फूड विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। और जब हमारे पास चूल्हा होता है घर पे तो हम तुरंत ऐसे क्विक खाना गर्म कर लेते हैं और खा लेते हैं, बट गांव में क्या होता है कि उन्हें लकड़ी या जो गोईठा होता है उसको जलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर जाके चूल्हा तैयार होता है, फिर खाना पकता है। तो उनके पास वो इंस्टेंट खाना गर्म करने वाली टेक्नोलॉजी या कुकिंग गैस ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं था। फिर उसके बाद तो ये एक नोटिस मैंने किया जो उनका कुकिंग पैटर्न था। फिर बिजली ना होने के कारण 5 बजे के बाद बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, और उनका जो अदर लाइवलीहुड ऑप्शन होता है जैसे मान लीजिए दुकान खोलना हो गया या फिर कंप्यूटर की शॉप हो गई या कुछ भी हुआ, तो वो 5 बजे के बाद बंद हो जा रही है क्योंकि बिजली ही या तो नहीं है या तो उस 5 बजे के बाद बिजली नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और लाइवलीहुड के सारे ऑप्शन बंद हैं। तो वो जितना कुछ कमा सकते थे 4 से 5 बजे तक कमाते थे, उससे ज़्यादा नहीं। एक और इशू जो किसानों के साथ मैंने देखा, अभी हाल में एक न्यूज़ भी आई थी कि किसान 2 बजे रात में खेत सिंचाई करने गया और उसको 4 जो जंगली जानवर होते हैं वो खा गए। तो वो एरिया भी थोड़ा ट्राइबल वैसा ही था और वो पास के विलेज का ये कहानी था। तो ये भी एक इशू वो फेस करते थे अपने लाइफ में, थ्रेटनिंग इशू रात को। तो ये सारा इशू को देखते हुए फिर मुझे लगा कि क्यों ना गाँव में एक सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी का एक मॉडल बनाया जाए और जिससे उनको सिर्फ एनर्जी मिले। सो एनर्जी शुड नॉट बी ओनली फोकस टू द इलेक्ट्रिसिटी बट इट कैन ऑल्सो बी द कुकिंग फ्यूल। और फिर उसके बाद एक नोटिस हमने ये भी किया कि जो गांव में पौराणिक तरीके से जब खेती होती थी तो लोगों के पास गाय होती थी, गाय से वो फिर वो गोबर निकलता था और वो उसी को खेत पर डालते थे। तो या तो आप उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो या तो नेचुरल फार्मिंग कह लो, वो हुआ करता था, जो कि अब बंद हो गया क्योंकि अब मल्टीनेशनल कंपनीज ने उन्हें सीड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, रासायनिक खाद प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, रासायनिक कीटनाशक देना शुरू कर दिया, और वो उसके आगे की कहानी हम सब जानते हैं कि लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो पंजाब की कहानी थी वो वही थी, जब ओवरडोज हुआ बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का तो वो कैंसर स्टेट बन गया। और आज भी गुजरात एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं जो कि पंजाब से गुजरात जाती है। तो उस पूरे चीज़ों को नोटिस जब हमने किया तो फिर समझ आया कि बायोगैस प्लांट ही एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मुझे दिखा जो हम गांव में सेटअप कर सकते थे। और फिर उसके बाद फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया। तो मैंने जब मास्टर्स किया टिस में तो हमें एक
एक साल का रिसर्च करना होता था किसी भी एक सिलेक्टेड टॉपिक पे, और वो टॉपिक वैसा होना चाहिए जिसको हम आगे जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो फिर मैंने बायोगैस के ऊपर एक रिसर्च स्टार्ट किया, जिसमें मुझे पता चला कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी 1970s और 80s की है, बट उसके बाद भी ये फेल हुई, तो इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे। वो लूप होल्स ऐसे थे कि या तो लोग को अगर कंस्ट्रक्शन कर भी दिया किसी के घर जा करके, तो उसको टेक्निकल नो हाउ हमने नहीं बताया कि अगर प्लांट में खराबी होगी तो आपको किसके पास जाना है। दूसरी एक इशू ये भी थी कि लोग कंस्ट्रक्शन तो करते थे, एनजीओ वाले करते थे या कोई अदर पार्टीज करती थी, तो वो थोड़ा सा एक मनी सेविंग वाला काम भी करते थे कि थोड़ा कम अमाउंट ऑफ सीमेंट लगा दिया, थोड़ा कम गिट्टी छड़ लगा दिया। तो जैसे घर जब हम लोग बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल कम लगाते हैं तो घर ढह जाता है, वो बायोगैस प्लांट के साथ हुआ। लोगों ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना गंदा लगाया कि वो बायोगैस प्लांट गैस से क्रैक कर गया, और लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये घटिया मटेरियल की वजह से क्रैक हुआ है, प्लांट फेल नहीं हुआ है। तो लोगों को लगता था कि प्लांट फेलियर है, प्लांट नहीं चल सकता। फिर लोगों ने लोहे का चदरा का, बहुतों ने देखा होगा अपने गाँव में, वो डोम का बनता था, तो गैस बनने पर डोम ऊपर आता था और फिर डोम नीचे चला जाता था। उसमें एक दिक्कत ये हुई कि वो उसमें जंग लग जाता था गैस से, और उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता था। आपको हर साल वो ड्रम निकालो, उसको एक राउंड पेंट करो, और चूंकि वो लोहा था तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई होती थी, प्लस उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई हुई, क्योंकि आप हर साल उसको निकाल रहे हो, उसको पेंट कर रहे हो, फिर से उसको रखवा रहे हो, तो वो पेंट का कॉस्ट और जो लेबर कॉस्ट होता था वो अलग, प्लस अदर मेंटेनेंस टेक्नीशियन और वो सब कुछ कॉस्ट अलग आता था। तो उस कारण भी प्लांट बहुत फेल हुए लोहे के चदरे वाले। और भी बहुत आया, फिर उसके बाद एक प्लास्टिक मॉडल आया जिसमें लोग ये सिंटेक्स टैंक में प्लांट बनाना शुरू कर दिए, तो उस प्लांट में भी दिक्कत नहीं है, बायोगैस बन जाता है, बट उसकी एक लाइफ स्पैन कम हो गई। अगर आप, हो सकता है शुरू में आपको 3-4 साल बहुत अच्छा गैस प्रोडक्शन मिले, बट उसके बाद गैस प्रोडक्शन काफ़ी लो हो जाता था। तो लोगों ने नोटिस, फिर एक दीनबंधु मॉडल सबसे बेस्ट था, लेकिन उसमें मटेरियल अच्छा ना लगाने के कारण चीज़ें क्रैक हुई। उसके साथ एक और इशू ये आया कि हमने गांव वालों को कभी बताया नहीं कि आप जब उसमें गोबर डालेंगे, आप उसमें गोबर डाल सकते हैं, आप उसमें खेत का हरा कचरा डाल सकते हैं, आप उसमें घास डाल सकते हैं। गांव में हमारे तालाबों में जलकुंभी हो जाती है जिसको हम हाइसिंथ बोलते हैं, आप वो काट के डाल सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड इन नाइट्रोजन, और उसका जब खाद बनता है विच इज़ अगेन गुड फॉर योर एग्रीकल्चर। तो वो जितना हरा खरपतवार वाला चीज़ होता है वो सब कुछ आप डाल सकते हो, लेकिन उनको ये नहीं सिखाया गया कि आप उनको मिट्टी से अलग रखो। अगर आपने ज़मीन से गोबर उठाया, मिट्टी सहित उठाया और उसको अगर पानी घोल के प्लांट में डाल दिया, तो पूरे डोम के अंदर वो नीचे एक सिल्ट फॉर्म कर लेता है, तो नीचे से पूरे डाइजेस्टर का साइज़ छोटा होता चला गया, क्योंकि नीचे मिट्टी बैठती चली गई, और वो मिट्टी बैठने की वजह से जो डाइजेस्टर का एक्चुअल साइज़ होता वो छोटा हो गया, और उससे गैस प्रोडक्शन काफ़ी लो हो गया, और काफ़ी लो होने के कारण फिर लोगों को लगा कि अरे प्लांट फिर से फेल है, गैस प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, मतलब प्लांट फेल है। फिर उसके बाद उनके पास कोई एक कनेक्शन नहीं था, जैसे आज लोगों को पता है कि हाँ हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं, हम ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जा सकते हैं, वहाँ से हमें जानकारी मिल सकती है बायोगैस के बारे में, कौन बनाएगा, सब्सिडी किससे मिलेगी, ये सब कुछ, टेक्नीशियन कौन होगा। प्लांट खराब होने के बाद भी फिर से हम उनसे कंसल्टेशन लेके उसको रिवाइव करवा सकते हैं, बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले लोग बनाए, खराब हुआ, ख़त्म, उसको या तो टॉयलेट बना दिया, या तो स्टोरेज सेंटर बना दिया, या फिर उसको पूरा डिमोलिश कर दिया। तो ये सारा, बहुत सारा इशू सब कुछ कैप्चर करते हुए फिर हमने देखा कि इसको बिजनेस मॉडल की तरह जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो फिर हमने कम्युनिटी के साथ बात करना शुरू किया। ये सारी थी थ्योरेटिकल बातें। तो जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमें हमेशा थ्योरी पहले पढ़नी चाहिए। प्रॉब्लम अगर पता है तो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनना चाहिए, और फिर जब हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसके बाद एक पायलट टेस्ट करना चाहिए कि हाँ ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम हमने सॉल्यूशन हमने बनाया है वो सच में ऑन ग्राउंड विद कम्युनिटी सफल होगा या नहीं। बिकॉज बिजनेस
प्लान बनाना बिकम्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक और उसको ऑन ग्राउंड उतरना पे उतारना इज कम्प्लीटली अगेन अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। तो फिर जब हमने कम्युनिटी के साथ बातें शुरू की तो एक अलग लेवल का चीज़ सामने आया। वो ये आया कि उन्होंने कहा हमारे पास गोईठा है, हमारे पास लकड़ी है, हम बायोगैस प्लांट क्यों बनाए, हमारे पास तो ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं। और एक और इशू ये आई, एक जेंडर इशू हमने देखा इस पूरे प्रोजेक्ट में कि बायोगैस इज़ अ वीमेन प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ मेल प्रोडक्ट। वीमेन खाना बनाती है, उसको धुआं लगता है, मेल को नहीं लगता। तो हम जब बायोगैस प्लांट के लिए लोगों से मिलने जाते तो खर्च तो मेल को करना है, फीमेल को नहीं करना। इवन ए फीमेल विल से यस, मेल विल से नो, क्योंकि उसको नहीं खर्च करना है। तो इस पूरे सिस्टम में पॉलिसी जब बनाने वाली कमेटी थी उससे लेकर के ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन तक कहीं विमेन नहीं थी, और कहीं विमेन ना होने के कारण लोग कन्विंस नहीं कर पाते थे कम्युनिटी को कि आपको प्लांट होना चाहिए। जब इस प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च करने की कोशिश की तो वहाँ पे हमने फिर नोटिस किया कि हमने सोचा कि विमेन एज ए एम्बेसडर प्रमोट होना चाहिए। हम मेल से मीटिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे उनसे मीटिंग, पर हमारी फर्स्ट मीटिंग हमेशा विमेन के साथ ही होनी चाहिए। तो अब बात आई कि हम कम्युनिटी कैसे ढूंढें। तो स्टार्टिंग में तो मुझे 4 महीने लग गए थे सिर्फ एक लैंड ढूंढने में जहां मैं बायोगैस प्लांट लगा सकूं, क्योंकि लोग काफ़ी रिलक्टेंट थे, लोगों को लगता था कि नहीं प्लांट फेल है, हम नहीं लगवाएंगे। फिर उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हेड कौन होता है गाँव का, तो वो हुआ मुखिया। और मुखिया भी कैसे ढूँढे, तो फिर उसके ऊपर आते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स आते हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर आते हैं, उसके भी ऊपर आते हैं डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। तो या तो आप डीएम के थ्रू आइए या आप बीडीओ के थ्रू आइए या बीएओ के थ्रू आइए। अगर मुखिया से आपकी अच्छी जानकार है या पर्सनल आपका रिलेशन अच्छा, तो आप मुखिया के थ्रू भी आ सकते हैं, क्योंकि मुखिया इज़ द सोल वो हैंडलर ऑफ द कम्युनिटी। मुखिया ही साइन कर सकता है कुछ कागज, तभी आपको ज़मीन भी मिलेगी, मुखिया ही मीटिंग करा सकता है, मुखिया ही अगर आपको फंड चाहिए सरकार की तरफ से तो दिला सकता है। बीडीओ भी वो आपको सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर जब हमने मुखिया ढूंढा, मुखिया के बाद फिर हमने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की जिसमें सिर्फ वीमेन को बुलाया, उनसे डिसीजन करवाया। जैसे एक बायोगैस प्लांट हमारा सीतामढ़ी में चला तो उसमें हम लोग ने पूरा एक विमेन के साथ ही काम चलाया, विमेन के साथ मीटिंग हुई। हमने कहा कि अगर आप राज़ी हो अभी के अभी अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दो 100 रुपये दे करके। ऑल द विमेन केम फॉरवर्ड, इधर दे ब्रॉट मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट मनी, या तो उन्होंने अपने हस्बैंड से या फादर से किसी से भी मांगा पर जमा किया। तो वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग विमेन का आया। फिर प्लांट अब कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी बात आती है। तो उसमें फिर हमने सोचा कि जब तक किसी को हम मॉनेटरी वैल्यू नहीं देंगे, लोग प्लांट को सिंसियरली नहीं लेगा या सीरियसली नहीं लेगा। तो हमने लैंड को लीज पे लिया ताकि किसी को ये ना लगे कि बायोगैस प्लांट बन गया, अब तो हमारा ज़मीन भी चला गया, हमने बेकार सोशल वर्क में दे दिया था। तो ज़मीन लीज पे ली जाती है, बाकायदा लैंडलॉर्ड को पैसे दिए जाते हैं, विमेन एम्प्लॉय की जाती हैं, क्योंकि उन्हीं का काम होता है आप सुबह जाओ ठेला लेके या कुछ भी लेके, पिकअप लेके कुछ भी लेके जाओ, आप गोबर कलेक्ट करो, क्योंकि आज भी घर में काम गोबर का विमेन करती हैं, मेल बहुत हार्डली वो 1-2% होते जो करते हैं। तो हमने फीमेल एम्प्लॉयमेंट हायर किया, हमने उन्हीं को बोला कि आप जाओगे रजिस्टर मेंटेन करोगे, तो जब ये बायोगैस प्लांट बनता है उसके ऑपरेशंस में हम गोबर खरीदते हैं। सिर्फ गोबर ही नहीं, घर का फूड वेस्ट हो गया, खेत का कचरा हो गया, गोबर हो गया, या अगर उसके पास तालाब है तो उसकी निकली हुई जलकुंभी हो गई, तो उसका एक रेट फिक्स हो जाता है 30 पैसे या 40 पैसे। तो एक विमेन अगर उसके पास 1 से 2 गाय है तो वो ईजिली 250 से 300 रुपये पर मंथ कमा सकती है सिर्फ गोबर या खेत का कचरा बेच के। तो फिर जो विमेन एम्प्लॉय किया हमने, उसका काम हुआ रजिस्टर मेंटेन करना कि आज फलाने विमेन से हमने इतना गोबर लिया, उसका आज इतना बनता है। फिर जब कलेक्शन हो गया, प्लांट फीड करने का टाइम आया, वहाँ पे फिर क्या होता है कि अगर प्लांट का साइज़ जो होता है वो 2 क्यूबिक मीटर से लेकर के कितना भी ऊपर आप जा सकते हो, 2 जिसको हिंदी में हम घन मीटर बोलते हैं, तो उसमें फिर अब प्लांट फीड करने की बात आती है। तो जितना बड़ा प्लांट है उसका उतना ही
रेशियो, इट इज 1:1। अगर 20 केजी गोबर है तो 20 केजी पानी होना चाहिए, उसको घोल करके फिर आप प्लांट में डालते हो। प्लांट की एक अपनी रिटेंशन पीरियड होती है जो कि 29 डेज की होती है। उसके बाद प्लांट में जो बायोगैस बनता है उसको मीथेन कहते हैं। तो फिर जब वो मीथेन जनरेशन हो जाता है, फिर पाइपलाइन के कनेक्शन से लोगों के घर में बायोगैस मीटर लगा के और फिर वो चार्ज दिया जाता है। और फिर जो उसका आउटपुट होता है, जब गोबर गैस बना दिया, जब वो बाहर आया, तो वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जो कि एक जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और उसको फिर आप खेत में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। उसका जो पानी निकलता है उसमें आप गौमूत्र एक्स्ट्रा मिक्स करके उसको 30 दिन रखने के बाद वो एक बहुत अच्छा कीटनाशक बन जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकलिटी बायोगैस प्लांट की बताऊं, तो एक घन मीटर, जिसको हम एक क्यूबिक मीटर बोलते हैं, उसके लिए आपको 20 kg वेस्ट रिक्वायर्ड होता है। सो उस 1 क्यूबिक मीटर से आप 1 kW बिजली जनरेट कर सकते हो। और जब गैस बनाने की बात आती है, कुकिंग फ्यूल, तो उसको प्यूरीफाई किया जाता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर, सल्फर, कार्बन, उसका मात्रा होता है। फिर हम बीच में एक प्यूरिफिकेशन यूनिट लगाते हैं, क्योंकि पहले एक प्रॉब्लम ये भी होता था कि लोगों के पाइप में छेद हो जाता था या फिर लोगों के चूल्हे खराब हो जाते थे, अंदर जंक लग जाता था। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट गैस यूज़ करते थे। उस गैस में अनवांटेड गैसेस भी थी, सल्फर था, कार्बन था, जो रस्टिंग कर दिया, पाइप में छेद कर दिया। गैस बायोगैस प्लांट से घर में तो आ रहा है लेकिन बीच में ही कहीं लीक हो जा रहा है। तो फिर वहाँ पे फिर हमने प्यूरिफिकेशन यूनिट लगाया ताकि 90% to 95% प्योर मीथेन गैस लोगों के पास पहुँचे। तो उस एक क्यूबिक मीटर जो कि 20 kg वेस्ट था, उससे 600 से 700 ग्राम गैस हमें मिलता है। अब इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि टाइप ऑफ वेस्ट से अमाउंट ऑफ गैस डिफरेंट होते हैं। अगर आपके पास किचन वेस्ट या एग्री वेस्ट है तो 10 से 12 kg में गैस अच्छा बनता है। अगर आपके पास गोबर है, गाय का गोबर है और भैंस का गोबर है, तो उसमें आपको 20 से 25 kg रिक्वायर्ड हो सकता है। पर अगर आपके पास पोल्ट्री है तो उसमें आपको 7 से 10 kg में ही काम हो जाता है। बट अगेन प्यूरिफिकेशन यूनिट थोड़ा सा रॉबस्ट लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें अनवांटेड गैसेस पोल्ट्री वेस्ट में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट विच यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द कम्युनिटी एंड रन बायोगैस प्लांट। सो अब जो हम लोग बायोगैस प्लांट बनाते हैं वो पूरा एक बिजनेस मॉडल है, पूरा ही एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह है। लैंड लीज पे लिया, प्लांट बनाया। अब बात आती है प्लांट कहाँ से बनाया, तो उसके लिए फंडिंग की बात आती है। तो फंडिंग जब हमने स्टार्टिंग में जब पायलट प्रोजेक्ट डाला तो सारी की सारी फंडिंग हमने की। मैं जब टिस में थी तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर फाउंडेशन की तरफ से ग्रांट मिला था, उससे हमने प्लांट लगाए कम्युनिटी में, जो कि थोड़ा बहुत एक फेलियर रहा क्योंकि कम्युनिटी बहुत रिलक्टेंट हुई। उन्हें लगा ये सरकारी प्रोजेक्ट है, हमें इससे क्या मतलब, ये चले या ना चले, क्योंकि हमारा पैसा लगा नहीं है। लोगों ने गोबर देने से भी मना कर दिया, हम गोबर कहीं और से लाते थे। वो प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए था, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा फेल हुए क्योंकि हमने कम्युनिटी से पैसे नहीं लिए थे और कम्युनिटी बहुत रिलक्टेंट हुई कि हमें कोई मतलब नहीं। फिर बिजनेस मॉडल में एक चेंज आया कि हम जैसा भी जहाँ भी बायोगैस प्लांट बनाएंगे, एक कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। वो चाहे मुखिया की तरफ से हो, चाहे वो मुखिया किसी सरकारी योजना के तरफ से पैसे लाए, जो कि आज हम सबको पता है कि गोबरधन योजना के अंदर एक कम्युनिटी बायोगैस प्लांट का फंड अवेलेबल है, या फिर आप अपने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी बात कर सकते हैं, उनके पास भी रूरल डेवलपमेंट के फंड्स अवेलेबल होते हैं। और कम्युनिटी अपना खुद का भी कंट्रीब्यूशन खुद से डाल सकती है, इट कैन बी 1000, 2000, 5000, जो भी वो अपने कैपेबल हैं, या फिर जो अपने स्टेट में स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस चलते हैं उनके अंदर, जैसे बिहार में जीविका है, राजस्थान में राजीविका है, वैसे तो उसके अंदर फिर वीमेन की SHGs बनी होती है जिसको महिला समूह कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। तो उनसे भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ कि हम SHGs के साथ कोलैबोरेट करेंगे जो कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर आती हैं। तो और उनके पास भी फंडिंग होती हैं जो कि जीविका उनको दे सकता है प्रोजेक्ट में डालने के लिए। सो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ फंडिंग, ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी देयर और थिंक शुड बी ऑन पेपर ऑलवेज। अगर आपने बेनिफिशियरी चुना है तो आप उनसे स्टैम्प पेपर लेके, उनसे साइन करवा के आप उनको प्रॉफिट शेयर होल्डर ज़रूर बनाइए।
अगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो दे शुड ऑल्सो बिकम द प्रॉफिट शेयर होल्डर. और अगर आपने ज़मीन ली है तो उसका लीज रेंट पेपर ज़रूर होना चाहिए. अगर आपने सरकार से पैसा लिया है तो वो भी ऑन पेपर होना चाहिए और उसका वाउचर जो भी आप एक प्रॉपर बिलिंग करा सकते हैं. तो एक पूरा वीमेन इन्वॉल्वमेंट हुआ. प्लान बनाते वक्त तो अगेन कोशिश तो हमारी होती है कि फीमेल भी आए, बट मेल ही मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं. बट रन करने का जो पूरा एक सिस्टम होता है उसमें मोस्टली फीमेल होती हैं, जिसमें वो गोबर लाई, प्लांट को फीड की. जब गैस निकला तो बायोगैस मीटर से उनसे चार्जेस लिए गए. अगेन वो पेमेंट भी हम उन्हीं से डील करते हैं. अगर एक वीमेन ने 250 रुपये कमा लिया गोबर बेच के या खेत का वो बेच के, तो उनको हार्डली जो सिलेंडर 500 से 600 रुपये का पड़ता है आफ्टर सब्सिडी, तो बायोगैस 250 से 300 का पड़ता है मैक्स. तो एक कैलकुलेशन है कि एक घर एक दिन में 700 ग्राम गैस यूज करता है अगर उसके घर में 5 लोग हैं. तो इफ़ अ फैमिली ऑफ 5 इज यूजिंग बायोगैस प्लांट, इट कम्स अप टू 1 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट. और एक यूनिट का चार्ज है हमारा 10 रुपये, तो 30 दिन का हो गया 300 रुपये. तो अगर सिलेंडर 550 का होता है तो वहीं बायोगैस उनको 300 रुपये में मिलेगा, विच इज़ अगेन काफ़ी सस्ता हुआ. दूसरा एक इशू ये भी है जिससे उनको निजात मिलता है, जब कम्युनिटी बहुत इंटीरियर होती है, मतलब वो शहर से जब बहुत दूर होती है, तो कभी सिलेंडर आया कभी नहीं आया, कभी वो लोगों को हायर करते हैं कि वो सिटी तक जाए उनके लिए सिलेंडर लाए, तो उनका एक अलग चार्ज होता है जो वो उनसे लेते हैं. इट कैन बी देयर लेबर चार्ज, इट कैन बी देयर पेट्रोल फीस, एनीथिंग. तो जो सिलेंडर उनको 700, 800 या 900 का आ रहा है उसमें प्लस 200 लगा के उनको देना पड़ता है. मैं बहुत इंटीरियर कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, मेन बीच शहर की नहीं. तो एक उससे निजात मिल गया कि कभी ये दिक्कत नहीं रहा कि अरे गैस कब ख़त्म हो जाएगा. तीसरा ये निजात मिला कि सिलेंडर, हालांकि उज्ज्वला योजना ने लोगों को बहुत मदद किया, बट एक और दिक्कत ये आया कि कम्युनिटी एक साथ 800 रुपये देने में आज भी सक्षम नहीं है. अगर किसी कम्युनिटी को बोला जाए कि आप 900 रुपये तुरंत दे के सिलेंडर ले लो, तो दे फील सो मच ऑफ हेजिटेशन, क्योंकि वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं और डेली का 10-20-50 रुपये जो होता है वो बचाते हैं. तो उनके पास कभी भी 900-1000 रुपये की सेविंग नहीं होती है. तो इन आर केस हमने उसको पर डे यूनिट कॉस्ट पर डिवाइड कर दिया कि आपका 10 रुपये पर डे चार्ज लिया जाएगा, विच इज़ अगेन वेरी नॉमिनल फॉर देम. और वो गोबर बेच के तो 250 रुपये कमा ही रहे. तो फिर अगेन ये पेमेंट का सारा ट्रांजेक्शन जो है वो वीमेन के साथ ही डील होता है. पेमेंट भी वीमेन के हाथ में ही दिया जाता है. और फिर जब खाद निकलता है तो जो कम्युनिटी इससे कनेक्टेड है उनको थोड़े सस्ते में हम देते हैं. सो बायोगैस प्लान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमेशा हमें ये दीनबंधु मॉडल है, जिसमें गड्ढा करके और नीचे से बायोगैस प्लांट बनाया जाता है. लकड़ी जलाते हैं, गोइठा जलाते हैं तो धुआं लगता है, आँख में आंसू निकलने लगता है, बाल बच्चा के नुकसान करता है. आँख में आंसू आता तो बच्चा रोने लगता है धुआं से. अब गैस ही यूज होगा तो गैस से कुछ नहीं होगा, सब कुछ ही बचित हो सकता है. उसमें बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई संस्कार चला सकते हैं वही पैसों से. और गैस भरवा जाते दूसरा जगह तो 700-800 लगता, वही पैसा बचेगा तो घर के खर्च चलेगा, बाल बच्चा के कपड़ा लाता, हरी बीमारी वही पैसों से कर सकते हैं हम लोग. से गोबर गैस प्लांट लग रहा है, इससे बहुत फायदा होगा. और ये यूरिया खाद होता है तो इससे खेत भी खराब करता है और खेतों का नुकसान भी होता है. और जैसे हम लोग बाज़ार से लाते हैं तो बहुत महंगा भी मिलता है. जैविक खाद जो निकलेगा इससे बहुत फायदा होगा और खेत भी अच्छा रहेगा. 4 साल पहले बायोगैस प्लांट लगाया और बायोगैस प्लांट का फ़ायदा ये है कि 15 परिवार हैं, 15 परिवार का खाना मेरा 3 टाइम, सुबह का नाश्ता, बच्चों का नाश्ता और दोपहर का खाना और शाम का खाना, तीनों टाइम का खाना मेरा गोबर गैस पे बनता है, बायोगैस पे बनता है. और बिल्कुल स्मूथली, कहीं से कोई दिक्कत नहीं. अगर थोड़ा देर के लिए लौ कम भी जाए तो 10 मिनट के लिए अगर बंद कर दिया जाए तो फिर से ऑटोमेटिक उतना ही गैस कंज्यूम कर जाता है और सभी लोगों का खाना बिल्कुल स्मूथली चल रहा है. हाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है ठंडे के दिन में,
थोड़ा गैस कम देता है। तो ठंडे में क्या होता है कि गोबर गैस का फ़ायदा यह है कि अगर उसको धूप मिलता है तो गैस ज़्यादा कंज्यूम करता है, और ठंडे में थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहने के कारण उतना गैस नहीं बना पाता है, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं होती है। मेरा जो बायोगैस का साइज है वो 4 घन मीटर का है और 15 लोगों का खाना बिल्कुल स्मूथली बनता है। खाना ही नहीं, बिल्कुल उस पर दूध भी हम लोग गर्म करते हैं और गाय के दर्रा जो होता है, दर्रा भी उसी पे हम लोग सिझाते हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं समझ में आती है। बल्कि हमें हर महीने का एवरेज मान के चला जाए तो 2000 से 2500 रुपया का मुझे फ़ायदा हो रहा है आपका गैस से। और दूसरी चीज़ है कि उसका जो आउटलेट से गोबर निकलता है वो गोबर जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इस मामले में कि मेरा जो खेती है उस खेती में मैं गोबर का ही यूज करता हूँ और बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती को डेवलप कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक खेती ही करता हूँ। और उसका जो जब गोबर घोलते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है उस पानी को हम लोग आपका कीटनाशक के रूप में यूज कर सकते हैं। वो कीटनाशक भी बिल्कुल ऑर्गेनिक कीटनाशक होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है फसल के लिए, पौधे के लिए। और मैं इधर जो भी लगाया हूँ, प्लांटेशन जो भी मैंने किया है, केला भी जो किया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैं खेती कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काव्यल सेदानी, और ये है केतन सिंह। बस इतना ही। हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं। हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं।